गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बहुत ही अच्छी जगह, मतलब कहीं मंदिर जा रहे हैं। तो दिखाती हूँ आपको वहीं जाने के बाद कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहीं पहुँच के दिखाऊंगी। क्योंकि पहले बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, तो सरप्राइज़ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहीं जा कर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। मम्मी पापा चले गए स्कूल को और हम लोग अभी जाएंगे। मम्मी पापा का स्कूल ही हुआ सुबह, जा रहे हैं मम्मी पापा। गाइस, होम ब्रो और मैं जा रहे हैं अब, तो चलते हैं फिर डेस्टिनेशन की तरफ को और दिखाते हैं आपको आगे का। गाइस, होम ब्रो कर रहा है राइडिंग और हम घर से निकल चुके हैं, और चलिए आगे का दिखाते हैं अब आप लोगों को। थोड़ा बहुत रास्ते का भी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, पूरा तो दिखाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो होम और मैं जा रहे हैं, चलते हैं फिर आगे को। अब पहुँच गए हैं आधे रास्ते में, ये है भारत का विशाल। तो चलते हैं दोस्त, पहुँच चुके हैं ठुलीगढ़। तो अब यहाँ से है डेस्टिनेशन की ओर, तो ये है पूरा कैंट एरिया। तो चलते हैं आगे की तरफ को क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बड्डा, तो फिर बड्डा से आगे को झूला घाट के लिए रास्ता जाता है, तो फिर वहीं से जाएंगे। अभी ओमरो कर रहा है ड्राइविंग और मैं बैठी हूँ पीछे। तो ये मैं ओमरो, हेलो बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे। चलते हैं आगे को दोस्तों, जाएंगे बट्टा से हम लोग झूला घाट वाले रास्ते में। तो ये है, तो दोस्तों ये है हुड़कन्ना का धारा। यहाँ का पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये हुड़कन्ना का धारा है और यहाँ पे मंदिर भी बना रखा है। तो अभी चलते हैं आगे को। पहुँच चुके हैं बट्टा बाजार। तो गाइज, यहाँ का बहुत ही फेमस है ममता जलेबी, तो आप लोगों ने सुना भी होगा गाना बट्टा की बाजार वाला। ये है दोस्तों ममता जलेबी बट्टा की बाजार का, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हाँ, बहुत ही टेस्टी मिलती है यहाँ पर जलेबी। तो चलते हैं आगे को दोस्तों, ये है पूरी बट्टा की मार्केट। तो देखिए आप लोग भी। तो दोस्तों जा रहे हैं झूला घाट की तरफ को, तो ये है रास्ता और ये है हमारी गाड़ी। तो हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ को दोस्तों। दिखाती हूँ व्यू, बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में ही रहते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड। तो पहाड़ी पहाड़ है दोस्तों, व्यू चेक करिए गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको। डेस्टिनेशन देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन ज़रूर कर पाऊँगी मैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। स्विमिंग पूल, तो ये झूला घाट जाने समय है ध्यान बनाने के। तो दोस्तों ये है रास्ते में स्विमिंग पूल, बहुत ही अच्छा बन रहा है, बोट वोट भी रख सकते हैं, बोटिंग भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग रुक रखे हैं बड़ालू में, तो ये है स्विमिंग पूल। तो मैंने आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ अभी, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो ज़रूर आइए दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि में, ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो चलिए आगे की तरफ को चलते हैं और दिखाते हैं आगे का आप लोगों को। पहुँचने वाले हैं झूला घाट, तो आपको दिखाते हैं नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, तो दिखाते हैं आपको। और गाइज, मैं आज कर रही हूँ इंटरनेशनल टूर और मैं बहुत ही खुश हूँ, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे है करता है इंडिया और नेपाल बॉर्डर, कैसे दिखता है। तो दिखाते हैं आपको। तो गाइज, ये है इंडिया और वो है नेपाल और बीच में है पुल। तो गाइज, आज हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल टूर, तो आई एम सो एक्साइटेड गाइज। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लोग झूला घाट की मार्केट, तो अब चलते हैं नेपाल की तरफ को। तो ये है यहाँ की मार्केट, दिखाती हूँ थोड़ा बहुत आप लोग। तो दोस्तों रास्ते का वीडियो तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरा बैटरी भी लो था और तभी नहीं बना पाई। तो अब आगे का दिखाती हूँ आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है झूला घाट की छोटी मोटी मार्केट, तो चलते हैं आगे की तरफ को। हम नेपाल की तरफ को जाते हैं, तो यहाँ से है रास्ता आई थिंक। ये है यहाँ मार्केट, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ। तो चलते हैं आगे को। पुल की वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि पुल का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो पुल तक, फिर पुल के आगे का बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। ये है दोस्तों झूला घाट को जाने का पुल, यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउड। पहुँच चुके हैं नेपाल, तो
दिखाती हूँ यहाँ से आप लोगों को व्यू। ये है नेपाल का पुल, तो वो है इंडिया, और ये जहाँ मैं खड़ी हुई नेपाल है, तो यह नेपाल की मार्केट। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को, तो चलिए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं नेपाल का मार्केट। तो गाइस इस होटल में देखो वाइन ही वाइन रख रखी, यहाँ सब जगह मिलता है दारू वारू। यहाँ खुला आम बेचना अलाउड है, अच्छा लाइसेंस आप लोगों का, तो यहाँ दारू वारू भी मिल जाएगी, और ये नेपाली कैंडीज ये सब कुछ मिलेगा। तो अभी भैया के वहाँ खाएगा मेरा भाई चाओ चाओ, यहाँ की फेमस मैगी, यहाँ की फेमस मैगी इसको बोलते हैं चाओ चाओ। तो उम्रो खाएगा, मैं तो नहीं खा रही हूँ क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, तो ठीक है आए थे। तो ये है नेपाल का मार्केट, छोटा मोटा जैकेट वैकेट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ आप लोगों को। तो चलते हैं आगे, ये है मार्केट नेपाल की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन को, तो कपड़े वपड़े सब मिलते हैं यहाँ अच्छे अच्छे। चलते हैं आगे, पहुँच चुके हैं नेपाल में, तो अब यहाँ से लेंगे गाड़ी, तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं पहुँचने के बाद, और मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं नेपाल में खड़ी हूँ, और मेरे जस्ट सामने इंडिया है, नेपाल, और वो है इंडिया हमारा। तो भारत माता की जय। तो चलते हैं आगे, तो आगे को गाड़ी में बैठे हो, और यहाँ की रोड बहुत ही खतरनाक है, और मुझे तो लग रहा है डर, तो जाना तो है ये, चलो मंदिर जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर जाएंगे, तो सही सलामत पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे को। यहाँ की रोड कुछ ऐसी है, और नीचे सीधे नदी है गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग, ये एक है काली नदी, ये है दोस्तों काली नदी। तो ये देखिए रास्ता बहुत ही डेंजर है दोस्तों, वहाँ को पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर में। तो अभी जाते हैं, थोड़ा सा पैदल रास्ता है ऊपर तक, तो जाते हैं अभी, फिर दिखाते हैं आपको सामान वामान लेकर, और मैं जा रही हूँ। तो ये रास्ता वैसे तो रोड जाती है, बट ये थोड़ा शॉर्टकट है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, पहुँच चुके हैं मंदिर, और यहाँ बज रहा है हमारा कल्चरल ढोल वगैरह, बहुत ही भीड़ हो रही है। जय हो, जय जय भगवती माता, कृपा करना। यहाँ पे मेला वगैरह लग रखा है, तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ को। पहुँच चुके हैं मंदिर, तो ये है हमारा मंदिर माँ त्रिपुरा सुंदरी का, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है दोस्तों मंदिर, देखिए यहाँ पे मेला वेला लग रखा है आज, आज छोटी जात है और कल बड़ी जात होगी, तो कल और भी अच्छा होने वाला है यहाँ, तो हम तो आज चले जाएंगे। गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर, तो आप लोग भी कीजिएगा दर्शन, आप लोगों की भी मनोकामना पूरी हो जाए और मेरी भी हो जाए। तो करवाते हैं आपको माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सी लड़कियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, वहाँ आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों यहाँ आज। तो दोस्तों ये यहाँ पर, तो दोस्तों ये बज रहा है यहाँ पर ढोल दमाऊ, तो बहुत ही आप लोग भी दर्शन कीजिए दोस्तों माँ त्रिपुरा सुंदरी के, आप लोगों की भी मनोकामना पूरी हो जाए और मेरी भी। तो आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ, अभी मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ, और मैं भी करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं जा रही हूँ अंदर को दर्शन करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। सीन जाना है, देखते हैं जाने को मिलता है नहीं दोस्तों। और पूजा पाठ बाहर, क्योंकि आप लोगों को अंदर ही है स्थल, चलते हैं अंदर को।
अंदर का तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, अलाउ नहीं होगा, बाहर का दिखा रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए गाइस। तो मैं हूँ अंदर, अभी टीका वीका लगा लिया, तो आम लोग यहाँ पर गा रहे ट्रेडिशनल छोड़े, तो सुनाती हूँ आप लोग। तो आमा गा रही है बहुत ही अच्छा, लग चुका है टीका वीका, तो हो गए हैं दर्शन भी। अंदर का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था ना, तो आप लोगों को बाहर से करवा देती हूँ मैं। दोस्तों यहीं से कर लीजिए दर्शन, क्योंकि अंदर का तो मैं नहीं करा पाई क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, मैंने तो कर लिए। तो ये मंदिर के आसपास का व्यू तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है। उस तरफ को भी एक मंदिर है दोस्तों, और यहाँ भी मंदिर है, यहाँ लोग सब बैठे क्योंकि यहाँ रात को आज जगराता होता है ना, तो हम लोग तो चले जाएंगे, बट अभी दिन का तो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। वो देखिए कितनी बड़ी घंटी चढ़ा रखी है वहाँ पे, ये बड़े बड़े घाट। तो दोस्तों चलते हैं आगे को, आगे का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों आगे का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों ये आ रही है चांद मंदिर में, जिन लोगों ने वो करा होता है ना संकल्प करा होता है कि हम पूजा देंगे, तो वो चांद लेकर आते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ सर में क्या लेकर आ रहे हैं, चांद। तो दोस्तों यहाँ लग रखा है मेला, बहुत ही अच्छा मेला लग रखा है यहाँ, वो आगे तक लग रखा है। यहाँ पर है मंदिर में एक झूला भी, तो अभी मेले की वजह से बंद कर रखा है, तो इसमें झूला वूला भी झूल सकते हैं। दोस्तों एक मंदिर है ये, तो पूरा सुंदर ही है जस्ट नीचे, ये बहुत ही पुराना लग रहा है मुझको। देखिए उस तरफ को मंदिर की तरफ को जाते हैं, फिर वहाँ से सीधे घर को, क्योंकि लेट भी हो रहा है, हमें झूला घाट से भी जाना है घर को, तो वहाँ से 40 किलोमीटर से तो लेट हो जाएगा, तो नेपाल का पुल बंद हो जाएगा, तो फिर हमें एंटर नहीं होने देंगे इंडिया में। तो हम जल्दी जल्दी दिखाते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों जो आंटी ने माला पहन रखी है वो नेपाल के ट्रेडिशनल माला है ना, तो देखिए आंटी को, आंटी अच्छे से दिखाओ, आंटी इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको तिलरी बोलते हैं। तो ये नेपाल का ट्रेडिशनल माला है, और ये नेपाल की आंटी है हमारी, हाँ जी। चलते हैं फिर, अब तो लेट भी हो गया है, हमको जाना भी है, तो चलते हैं क्योंकि उम्र तो गाइस चलते हैं अब, और लेट भी हो गया हमको क्योंकि हम लेट हो गए थे आने में, तो अब जाना भी पड़ता ही है, घर चलते हैं अब। चलिए देख सकते हैं आप लोग नेपाली अटायर में अंकल लोग, यही होता है नेपाली ड्रेस, कुर्ता पजामा और ये वाला ढाका टोपी बोलते हैं इसको दोस्तों। हम लोग ले रहे हैं अंकल से संतरे, तो ये है संतरे, और ये है गाइस नेपाल का करेंसी, तो अंकल दिखा रहे हैं नेपाल की करेंसी, तो देख लीजिए आप लोग भी, होती है नेपाल की करेंसी। तो गाइस ये लगा है मेला यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास, तो यहाँ ये सब मिल रहा है, सब कुछ है यहाँ, जलेबी वलेबी सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये मार्केट थी हमारे मेले की, और यह है त्रिपुरा सुंदरी का एंट्रेंस गेट। तो अब चलते हैं घर की तरफ को, पहले हम उस तरफ से आए थे, इस तरफ से नहीं आए थे, तो अब इस तरफ से वापस जा रहे हैं, तो ये है गेट। तो दोस्तों चलते हैं फिर घर को, घर जाना भी ज़रूरी है। तो व्यू देखिए दोस्तों इतना खूबसूरत है, आसपास का दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ से व्यू, पूरा पहाड़ी पहाड़, तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है देख के। ये है, चलते हैं गाड़ी की तरफ, अब जा रहे हैं घर को, ये है उम्रो, तो जाते हैं गाड़ी आड़ी देखते हैं मिलती है, तो गाड़ी में बैठ के मिलते हैं। अब जा रहे हैं घर को, ये है उम्रो, तो जाते हैं गाड़ी आड़ी देखते हैं मिलती है, तो गाड़ी में बैठ के मिलते हैं। मिल चुकी है गाड़ी, तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर अब। दोस्तों इस नदी को बोलते हैं, नहीं काली नदी है दोस्तों, तो ये काली नदी है, गोरी नदी तो वहाँ होगी धारचूला साइड को, यहाँ तो
ये काली नदी है दोस्तों, तो ये जा रही है उधर को। पहुंच चुके हैं चूलाघाट पार, तो अब यहाँ से जाएंगे हम पिथौरागढ़ को, यहाँ से पुल पार करके। तो चलिए चलते हैं। नेपाल वालों ने गेट लगा रखा है यहाँ पे, तो ऐसा लिखा है कि नेपाल में दोबारे जरूर आइएगा, नेपाल माँ पुनः आगमन को लागी। तो और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, अंकल बना रहे हैं, हमें खाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है मैंने, क्योंकि मंदिर जा रही थी और हमने तो खा लिया था। तो अब मैं खाती हूँ यहाँ पर चाऊ चाऊ, नेपाल की मैगी होती है जो, वो खाती हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं घर। दोस्तों खा लिया हमने, अब जा रहे हैं घर को। तो क्योंकि वहाँ पुल में तो बनाने में नहीं है ना वीडियो, तो यहीं से बना लेते। तो उम्रो चले यहाँ, मैं भी जाती हूँ, वहाँ से होके वहाँ को जाएंगे हम लोग। तो चलिए, तो ये है झूलाघाट की मार्केट का व्यू। तो हम लोग गए थे नेपाल, वहाँ से वापस आ गए, अब जाते हैं घर की तरफ को। ये है थोड़ा बहुत मार्केट झूलाघाट का, तो हम चलते हैं उधर को। हाय बाय झूलाघाट, तो चलते हैं घर को। ये है झूलाघाट का व्यू दोस्तों, हम जा रहे हैं घर को। ये है व्यू। तो हो गया दोस्तों इंटरनेशनल टूर खत्म, तो अब जाते हैं घर को। थी मैं मंदिर से, तो मम्मी के लिए लाई हूँ नेपाली माला। तो मम्मी कैसी लगी माला? मस्त है, मस्त। और लगा दिया प्रसाद साथ माता रानी का, और ये आशीर्वाद तेरा फिर हम माला। ठीक है, मस्त लग रहा है आप पे। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? तो मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस, सनसेट भी हो चुका है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में।